सारे फॉर्म्स रिजेक्ट करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो आपका मिथ है ना कि हमने सीयूईडी का फॉर्म फिल कर दिया तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल हो गया, ऐसा नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है फॉर ऑल द सीयूईडी 2024 एस्पिरेंट्स, जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। आप सभी ना मुझसे बार बार कमेंट्स में पूछे जा रहे थे कि हमने सीयूईडी का फॉर्म तो फिल कर दिया है बट हम टारगेट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं, हमें डीयू में एडमिशन चाहिए, तो क्या वो हमें मिल जाएगा? डीयू का कोई अलग से हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा? अब हम डीयू में अप्लाई कैसे कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, कब उसका फॉर्म रिलीज होगा, ये सारी क्वेरीज मैं आप सभी की आज की वीडियो में रिजोल्व कर दूंगी। टेंशन मत लो, ठीक है? अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोग कभी भी मिस ना करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, दैट टू ये भी फ्री है, तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है? जो आपका मिथ है ना कि हमने सीयूईडी का फॉर्म फिल कर दिया तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज बता दूं कि सीयूईडी के फॉर्म के अंडर आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग ही पोर्टल है विच इज नोन एज सीएसएएस पोर्टल, ठीक है? पूरा लॉन्ग प्रोसेस है। अभी आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल करा है, अब आपको जो भी है एडमिट कार्ड वो रिलीज करे जाएंगे। आफ्टर दैट आप सीयूईटी का स्कोर कार्ड दोगे, उसके बाद जो सीयूईटी के अंडर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है आपको उन सभी के फॉर्म उधर रजिस्टर अलग से करना पड़ेगा। एंड यस, उनकी अलग से रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है। तो आपने सीयूईटी का फॉर्म दे दिया, आपके पास स्कोर कार्ड आ गया, उसी के टाइम पे आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म आ जाएगा, जो कि मैं अपने चैनल पे आप सभी को सबसे पहले बता दूंगी जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म रिलीज करते हैं। इसीलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरी बहुत ज्यादा आगे जरूरत पड़ेगी आने वाले महीनों में। मैंने लास्ट 2 सालों में 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करी है अपने ऐसे एकमात्र चैनल पे, तो प्लीज कर लेना। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट स्टेप्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के। तो आपने पहला स्टेप तो कर ही लिया है विच इज सीयूईटी को, रजिस्ट्रेशन आपने सीयूईटी का कर दिया है, आप आराम से जाओगे सीयूईटी का पेपर दोगे, दैट वाज योर फर्स्ट स्टेप, वो आपने कर लिया। सेकंड स्टेप आ जाता है आपका सीएसएएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, ठीक है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल सीएसएएस पोर्टल है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं। यहां रजिस्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां नहीं किया तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्टर किया ही नहीं। ऐसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अलग पोर्टल होंगे, वहां पे आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? सो बेसिकली सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें तो दिखाई नहीं दे रही, हमें एक से दो यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो गाइस, फेज टू में आप खुद वहां पर रजिस्टर कर सकते हो, तो टेंशन मत लो, ठीक है? वहां पर आप आराम से रजिस्टर कर लोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको आने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे भी वहां पे मिड एंट्री होती है, ठीक है? इसके बाद आ जाता है हमारा फेज 3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो बताने से पहले ना, साइंस वाले स्टूडेंट्स मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि यार हमारे बारे में भी थोड़ा सा बता दो, हमें भी कोई बुक सजेस्ट कर दो। तो आप सभी को मैं आज बताने वाली हूं अबाउट फिजिक्स वाला की सीयूईटी 2024 की रेंज ऑफ बुक्स, ठीक है? बेसिकली मैं अभी आपको साइंस वाली बुक दिखा रही हूं, इनकी काफी अलग अलग लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक है, तो कॉमर्स वाले ह्यूमैनिटीज वाले डिसहार्डन ना हो। अभी मैं बात करने वाली हूं जिस बुक की, तो बेसिकली इसके अंदर मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इसका पूरा कलेक्शन आपको इस एकमात्र बुक में मिल जाएगा। चाहे फिर हम बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायोलॉजी की, इंग्लिश की, जनरल टेस्ट की, सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे। 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको इस एकमात्र बुक में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 28 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इधर मिल जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि लेटेस्ट एनटीए के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है? जितने भी मॉक टेस्ट है वो आपको रियल एग्जाम की तरह प्रिपेयर करवाएंगे। आपको इस बुक में ओएमआर शीट्स भी मिल जाएंगी, ताकि आपकी एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। आपको ऑफलाइन कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आप एक्चुअली में पेपर देके आओगे, उसकी एकदम बढ़िया से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे। फिजिक्स वाला पब्लिकेशन के पास सिर्फ साइंस के ही मॉक टेस्ट नहीं, जबकि कॉमर्स के भी जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं डोमेन के, वो सभी की भी मॉक टेस्ट एकमात्र बुक में आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स जो सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट की बुक चाहते हैं जिसमें उनको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल जाए, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दीज, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल है, तो फिजिक्स वाला पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक्स को भी रिलीज करता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। इनकी जो बुक्स हैं वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है, पर अगर आप पीडब्ल्यू स्टोर से अलग से जाके लेते हो तो आप यूज करना मेरा कूपन कोड विच इज ZOOM100 टू गेट अमेजिंग डिस्काउंट, तो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल्सो आई विल पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, डू चेक आउट फिजिक्स वाला। इसलिए अब हम बात करेंगे फेज 3 की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली आपको जरूरत पड़ेगी एक मेंटोर की, क्योंकि ना ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। आपने कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने आपको रजिस्टर, उसके बाद आपके पास पूरा ऑप्शन आएगा, सब्जेक्ट मैपिंग का आएगा, प्रेफरेंस फिलिंग का आएगा। प्रेफरेंस फिलिंग के बाद भी 3-4 राउंड होते हैं, इतने सारे राउंड होते हैं, उसमें आपको फ्रीज करना होगा, फ्लोट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ कैसे निकल रही है, अकॉर्डिंग टू द सीट्स लेफ्ट, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि चैनल पे बने रहो, हर एक कोर्स का जो आपको करना होगा, हर एक स्ट्रीम के बच्चे को मैं अपने चैनल पे गाइड करूंगी, ठीक है? आई एम नॉट जस्ट प्रमोटिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने देखा है यार लास्ट 2 सालों में स्टूडेंट्स ने इतनी ज्यादा गलतियां करी हैं, इतने बढ़िया मार्क्स आने के बाद भी उन्होंने प्रेफरेंस फिलिंग इतनी गंदी बना दी कि उनको इतना नीचे का कॉलेज मिल गया, जबकि वो
डिजर्व ज्यादा बेटर कॉलेज करते थे। सो आई डोंट वॉन्ट कि आप सभी को भी ये सेम चीजें फेस करनी पड़े। बच्चों ने सब्जेक्ट मैपिंग गलत कर दी कि वो सभी रिजेक्ट हो गए। इतने सारे फॉर्म्स रिजेक्ट करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि आप सभी को ना वहां इतनी भीड़ होती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट रिजेक्ट योर फॉर्म सीधा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके साथ ना हो, आपके बढ़िया मार्क्स आने के बाद भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता ना तो जो दुख होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको चैनल पे मेंटोरशिप प्रोवाइड करूंगी, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड या लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड दिस वीडियो रियली रियली हेल्पफुल। ऑल्सो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो कि हैं योगेश सिंह सर, तो बेसिकली इन्होंने बताया था कि डीयू के सीएसएएस पोर्टल को लाइक फॉर द पीजी लाइक सीयूईटी पीजी वो 25 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे, ओपन हो जाएंगे। तो यूजी के लिए भी ऑफकोर्स है कि मई में हो जाएगा, मई के टाइम पे आपके एग्जाम्स, उसके बाद अगर में नहीं होता तो जून में तो हो ही जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो प्लीज चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो टू गेट सम एक्स्ट्रा लक फॉर योर सीयूईटी एग्जाम एज वेल। कमेंट डाउन विद समथिंग क्यूट क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।